हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं समसमाय की घटना चक्र के बारे में। वार से कांक जो आई हुई थी उसी को देख रहे हैं। तो आपको बता दें, इसमें हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य खत्म कर चुके हैं, ठीक है, और इसके करीब 6 लेक्चर बने हुए थे, ठीक है। तो आपको बता दें कि ये सभी लेक्चर आपको मिल जाएंगे, PDF वो बनी हुई है, प्लेलिस्ट में सूची बनी हुई है, समसमाय की घटना चक्र 2019, ठीक है, इसके नाम से याद ही रखिए, उसी में पड़े हुए हैं, ठीक। इसमें हम लोग देखते हैं अब विधिक परिदृश्य, ठीक है, ये भी उसी में समसमाय की घटना चक्र जो सूची बनी हुई है उसी में डले रहेंगे, ठीक है। तो अब क्या देखना है, विधिक परिदृश्य, विधिक परिदृश्य, ठीक है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की विधिक घटनाओं का विश्लेषण करेंगे इसमें, ठीक है। हम लोग चलिए तो शुरू करते हैं। हम लोग पुलिस मुस्लिम महिलाओं को मस्जिद में नमाज अदा करने के अधिकार पर याचिका दायर हुई है। मक्का में इबादत हेतु महिला और पुरुष भेद में भेदभाव नहीं किया जाता है। भारत में जमात इस्लामी तथा मुजाहिद संप्रदायों के अधीन मस्जिदों में भी महिलाओं को प्रवेश की अनुमति है, लेकिन सुन्नी संप्रदाय के अधीन मस्जिदों में महिलाओं को प्रवेश की पाबंदी है। 14 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने सबरीमाला प्रकरण को 7 सदस्यीय संविधान पीठ को प्रेषित कर दिया है। यह पीठ मुस्लिम महिलाओं की मस्जिद में प्रवेश के मामले पर भी विचार करेगी। उल्लेखनीय है कि सितंबर 2018 में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के तहत रजस्वला महिलाओं को केरल स्थित सबरीमाला मंदिर में प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई थी। इस निर्णय पर पुनर्विचार करने हेतु कई याचिकाएं उच्चतम न्यायालय में दाखिल की गई। 15 अप्रैल 2019 को सर्वोच्च न्यायालय में महाराष्ट्र के दंपत्ति यास्मीन जुबेर अहमद और जुबेर अहमद ने मुस्लिम महिलाओं के मस्जिद में प्रवेश और नमाज अदा करने के अधिकार की मांग वाली याचिका दायर की। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश संबंधी निर्णय को आधार बनाया गया तथा संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 के आधार पर मस्जिद में इबादत हेतु महिलाओं के प्रवेश की मांग की गई। जस्टिस एस ए बोबड़े वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हो गए और अब्दुल नजीर की पीठ ने अल्पसंख्यक मंत्रालय और भारत सरकार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड केंद्रीय वक्फ बोर्ड तथा महिला आयोग को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा है। अगली खबर है, RTI के दायरे में मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय आ गया है। वर्ष 2007 में RTI कार्यकर्ता सुभाष चंद्र अग्रवाल ने सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को के न्यायाधीशों द्वारा की गई संपत्ति की घोषणा से संबंधित जानकारी हेतु एक अर्जी दाखिल की थी। इस मामले पर सूचना देने से मना कर दिया गया तो यह मामला केंद्रीय सूचना आयोग CIC के पास पहुंचा। CIC ने सूचना देने को कहा, फिर यह मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में पहुंचा, जिसने ICIC के आदेश को बरकरार रखा। दिल्ली उच्च न्यायालय तथा CIC द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में के महासचिव और केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी CPIO ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की। 13 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीश की संविधान पीठ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया। निर्णय के तहत मुख्य न्यायाधीश CGI का कार्यालय भी सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे में आएगा। पीठ के अनुसार मुख्य न्यायाधीश कार्यालय के एक लोक प्राधिकरण है, इसलिए यह RTI दायरे में आएगा। संविधान पीठ में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपक गुप्ता, जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस NB रमन्ना शामिल थे। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व 2010 के निर्णय को बरकरार रखा। अब बात करते हैं अयोध्या विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया है। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अयोध्या विवादित 2.77 एकड़ जमीन को सुन्नी बकपुर निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान के बीच बराबर बांटने का आदेश दिया था, जिसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। याद रखिए, 2.77 एकड़
भूमि विवादित थी। ठीक है, वो 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय आया था। ठीक, 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने अयोध्या की विवादित भूमि को के मामले पर महत्वपूर्ण फैसला किया। पीठ ने विवादित जमीन पर रामलला विराजमान का हक माना, साथ ही मुस्लिम सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन देने के आदेश दिया है। संविधान पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का हवाला देते हुए कहा है कि बाबरी मस्जिद का निर्माण किसी खाली जगह पर नहीं किया गया था। विवादित जमीन के नीचे एक ढांचा था, वह ढांचा इस्लाम धर्म से संबंधित नहीं था। ठीक है, पीठ ने 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद के ढांचे को गिराए जाने की कानून का उल्लंघन बताया। न्यायालय द्वारा विवाद जमीन पर रामलला हक का हक बताते हुए इस निर्णय के क्रियान्वयन हेतु केंद्र सरकार को 3 महीने के अंदर एक ट्रस्ट बनाने किया का भी आदेश दिया गया। इस ट्रस्ट के पास मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी होगी। उल्लेखनीय है कि 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 6 अगस्त 2019 से 16 अक्टूबर 2019 तक 41 दिन तक इस मामले पर प्रतिदिन कार्य दिवस पर सुनवाई की, याद रखना 41 दिन चली। इस संविधान पीठ में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के साथ जस्टिस एस बोबड़े जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश बन गए, डी वाई चंद्रचूड़, अशोक भूषण और एस ए नजीर थे। याद रखना इन 5 जजों को। कौन कौन थे? रंजन गोगोई साहब थे, एस ए बोबड़े थे, डी वाई चंद्रचूड़ थे, अशोक भूषण थे, एस ए नजीर थे। ठीक है, उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनवाई के दिनों के आधार पर यह दूसरा सबसे लंबा केस है, याद रखिए। इससे पूर्व उच्चतम न्यायालय की 13 सदस्यीय संविधान पीठ ने 1972-73 में केशवानंद भारती और अन्य बनाम केरल राज्य मामलों की सुनवाई 68 दिनों में पूरी की थी। 41 दिनों में हुई, 68 दिनों में हुई थी, 68। इससे पूर्व अयोध्या विवाद के समाधान हेतु 3 सदस्यीय मध्यस्थता पैनल का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष थे पूर्व न्यायाधीश FMI कलीफुल्ला और इसके सदस्यों में थे श्री श्री रविशंकर और वरिष्ठ एडवोकेट श्री राम पंचू। तो याद रखिए, इन तीनों को भी याद रखिए, पूछा जा सकता है कि सदस्यीय पैनल बना था उसमें कौन कौन थे। तो इसके अध्यक्ष थे FMI कलीफुल्ला और सदस्य थे श्री श्री रविशंकर, वरिष्ठ एडवोकेट थे इसके सदस्य श्री राम पंचू। ठीक है, आगे बात करते हैं DNA प्रौद्योगिकी उपयोग एवं अनुपयोग विनियमन विधेयक 2019। 17 अक्टूबर 2019 को DNA प्रौद्योगिकी उपयोग एवं अनुपयोग विनियम विधेयक 2019 को स्टैंडिंग कमेटी को विचारार्थ सौंप दिया गया। इस समिति को 3 माह के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी है। उल्लेखनीय है कि 8 जुलाई 2019 को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन ने DNA प्रौद्योगिकी उपयोग एवं अनुपयोग विनियमन विधेयक 2019 को लोकसभा में पास किया था। यह विधेयक गुमशुदा व्यक्तियों, पीड़ित दोषियों, विचाराधीन कैदियों, अज्ञात मृत व्यक्तियों की पहचान के लिए DNA प्रौद्योगिकी के उपयोग एवं अनुपयोग के विनियमन से संबंधित है। इस विधेयक का प्रमुख उद्देश्य देश की न्याय प्रणाली को सहायता और उससे मजबूती प्रदान करने के लिए DNA आधारित फॉरेंसिक प्रौद्योगिकियों के अनुपयोग का विस्तार करना है। विधेयक में राष्ट्रीय स्तर तथा क्षेत्रीय स्तर पर DNA डेटा बैंक की स्थापना का प्रावधान किया गया। इससे फॉरेंसिक जांच में मदद मिलेगी। विधेयक में DNA विनिमय बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया गया जो DNA डेटा बैंक और DNA प्रयोगशालाओं की निगरानी करेगी। अब बात करते हैं कराधान विधि संशोधन अध्यादेश 2019। आयकर अधिनियम 1961 और वित्त अधिनियम 2019 में संशोधन के लिए कराधान विधि संशोधन अध्यादेश लाया गया। अध्यादेश पूंजीगत लाभ से होने वाली आय पर अधिभार लगाने के कुछ प्रावधान को भी संशोधित करता है। 20 सितंबर 2019 को कराधान विधि अध्यादेश लागू किया गया। इसमें निम्न प्रावधान है, 400 करोड़ रुपए तक के वार्षिक टर्नओवर वाली घरेलू कंपनियां जो 25% की दर से आयकर चुकाती थी, आयकर अधिनियम के तहत कुछ कटौतियों का दावा नहीं करती थी तो उनके पास 20% की दर से कर चुकाने का विकल्प होगा।
30 सितंबर 2019 के बाद बनाई गई कंपनियों को 1 अप्रैल 2023 से पहले उत्पादन शुरू कर देंगी। ऐसी कंपनियां आयकर अधिनियम के तहत कुछ कटौतियों का दावा नहीं करती तो 15% की दर से कर भुगतान का विकल्प चुन सकेंगे। अध्यादेश द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 से न्यूनतम वैकल्पिक कर की दर 18.5% से घटाकर 15% कर दिया गया। कंपनियों को कुछ मामलों में पूंजीगत लाभ पर सरचार्ज देना होगा। यह दर इस प्रकार होगी 50 लाख से 1 करोड़ रुपए, आय पर कर का 10%, 1 से 2 करोड़ रुपए तक के आय पर कर का 15%, 2 से 15 करोड़ रुपए तक, 2 से 5 करोड़ रुपए तक आय पर कर का 25% और 5 करोड़ से अधिक आय कर पर 37%। ठीक, याद रखिए। हम बात करते हैं ई सिगरेट निषेध अध्यादेश 2019। यह अध्यादेश ई सिगरेट के उत्पादन और व्यापार, भंडारण, विज्ञापन, परिवहन, बिक्री आदि पर प्रतिबंध लगाता है। ई सिगरेट इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जो तरल निकोटिंग और अन्य फ्लेवर्स के मिश्रण से को गर्म करके वाष्प पैदा करता है। 18 सितंबर 2019 को केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी किया। इसके प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 1 वर्ष तक का कारागार पे 1 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। 1 से अधिक बार इसका उल्लंघन करने पर 3 वर्ष तक का कारावास और 5 लाख रुपए तक की जुर्माना का प्रावधान। ई सिगरेट का भंडारण करने पर 6 महीने का कारावास और 50,000 रुपए तक का जुर्माना। 18 सितंबर 2019 से ई सिगरेट का स्टॉक रखने वाले को इसकी घोषणा करनी होगी और इसे प्राधिकृत अधिकारी के निकटतम कार्यालय में जमा कराना होगा। उल्लेखनीय है कि भारत ने WHO फेमबर्ग कन्वेंशन ऑफ टोबैको कंट्रोल पर हस्ताक्षर किए। ठीक, फिर आता है हमारा मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019। ये आप सभी को जानना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत सड़क सुरक्षा पर ब्रासिलिया घोषणा का हस्ताक्षर है। इसके तहत ब्रासिलिया घोषणा भारत ने वर्ष 2020 तक सड़क दुर्घटनाओं एवं इससे होने वाली मौतों में 50% तक की कमी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 9 अगस्त 2019 को मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो गई। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के प्रावधान 1 सितंबर 2019 से प्रभावी हुए। ध्यातव्य है कि इससे पूर्व मोटर वाहन और सड़क सुरक्षा को लेकर मोटर वाहन अधिनियम 1988 अस्तित्व में था। संशोधन अधिनियम के तहत नशे में गाड़ी चलाने पर न्यूनतम जुर्माने को 2,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया। बिना सीट बेल्ट पहने गाड़ी चलाने पर पूर्व में 100 रुपये लगता था, अब इसे 1,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। इसके अलावा तय सीमा से अधिक गति से गाड़ी चलाने पर 400 रुपये के स्थान पर 1,000 से 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। नवीनतम संशोधन के तहत बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा, जो अभी तक 500 रुपये था। नए संशोधन के तहत यदि किसी नाबालिग द्वारा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन होता है तो उसके अभिभावक को जिम्मेदार माना जाएगा। इसके साथ ही नाबालिग पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मुकदमा चलेगा। वाहन का पंजीकरण भी रद्द कर दिया जा सकेगा। इस अधिनियम में आपातकालीन सेवा वाले वाहनों को रास्ता नहीं देने पर 10,000 रुपये के जुर्माने को का भी प्रावधान है। इसके अतिरिक्त मोटर वाहन दुर्घटना कोष भी बनाया जाएगा इसके तहत, जो देश के सभी सड़क उपयोगकर्ताओं को बीमा सुरक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 30 जुलाई 2019 को लोकसभा और 6 अगस्त 2019 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया और 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद यह अधिनियम बन गया। इस अधिनियम ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को प्रतिस्थापित कर दिया। केंद्र सरकार द्वारा उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार और भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामले के नियंत्रण के लिए एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया है। ठीक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का गठन का प्रावधान है। जिला आयोग 1 करोड़ तक का, राज्य आयोग 10 करोड़ तथा राष्ट्रीय आयोग 10 करोड़ से अधिक के
मामलों की शिकायत सुनेगी। अब बात करते हैं गैर कानूनी गतिविधि निवारण संशोधन अधिनियम 2019। राष्ट्रपति ने 8 अगस्त 2019 को गैर कानूनी गतिविधि निवारण संशोधन विधेयक 2019 को स्वीकृति दी है। अधिनियम 2019 का द्वारा अधिनियम 1967 में संशोधन किया गया। संशोधन में अधिनियम 2019 के अनुसार आतंकवाद को बढ़ावा देने, आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने की तैयारी, आतंकवादी कार्यवाही तथा अन्यथा आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने पर केंद्र सरकार किसी संगठन या व्यक्ति को आतंकवादी संगठन या आतंकवादी निर्दिष्ट कर सकती है। अधिनियम 1967 आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित संपत्तियों को पुलिस महानिरीक्षक महानिदेशक की मंजूरी के पश्चात जांच अधिकारी द्वारा जब्त किया जाता है। अधिनियम 2019 के अनुसार उपयुक्त संपत्ति NIA द्वारा जांच की दिशा में NIA महानिदेशक से पूर्व मंजूरी के बाद जब्त की जाएगी। अधिनियम 1967 के अनुसार मामलों की जांच पुलिस उपाधीक्षक या सहायक आयुक्त या उससे उच्च रैंक का अधिकारी द्वारा की जाती थी। अधिनियम 2019 द्वारा NIA के निरीक्षक या उससे उच्च रैंक वाले पदाधिकारी को भी ऐसी शक्ति प्रदान की गई है। 1967 के अंतर्गत शामिल 9 संधियों में प्रतिबंधित गतिविधियों को आतंकवादी गतिविधि माना जाता था। अधिनियम 2019 के तहत एक और संधि परमाणु आतंकवाद के कार्य के दमन का अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय को भी शामिल किया गया है। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बारे में। भारतीय संविधान का भाग 21 अस्थायी संक्रमण से संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध से संबंधित है। याद रखना, भारतीय संविधान का 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध से संबंधित है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को भारतीय संघ के अंतर्गत विशेष स्थिति प्रदान की गई थी। इसका अपना अलग संविधान था। हाल ही में इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 प्रस्तुत किया गया, जिसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो नए केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में विभाजित कर दिया गया। इस विधेयक को प्रस्तुत करने के पहले गृह मंत्री ने भारत के राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित आदेश सदन में प्रस्तुत किया है। इस आदेश के अनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 एक खंड को छोड़कर, याद रखिए, अनुच्छेद 35A को उत्सादित या निरस्त कर दिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 एक डी के तहत एक राष्ट्रपति ने यह संविधानिक आदेश निकाला है कि इस पत्र का नाम द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019 था। इस आदेश को प्रस्तुत करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा के सामने दो संकल्प प्रस्तुत किए। पहला संकल्प यह था कि अनुच्छेद 373 के तहत दी गई शक्तियों के प्रयोग के जरिए भारत की संसद की संस्तुति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति घोषित करता है कि अनुच्छेद 370 के पहले हिस्से को जो छोड़कर सभी हिस्से समाप्त हो जाएंगे और पहले हिस्से को अब से कहा जाएगा कि भारत के संविधान के सभी प्रावधान जो समय समय पर संशोधित होते रहे जम्मू कश्मीर के ऊपर बिना किसी अपवाद के लागू होंगे। तो याद रखिए, अब कोई भेदभाव नहीं होगा। जो प्रावधान भारत के अन्य राज्यों पर लागू होंगे वही प्रावधान अब जम्मू कश्मीर पर बिना भेदभाव के लागू होंगे। ठीक, याद रखिए, यहां तक कि बिना किसी अपवाद के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 152, 308, 363 और अन्य प्रावधानों में लिखी गई बातों के बावजूद भी अब यह बात प्रभावी होगी कि अब भारत का संविधान अपने सभी संशोधनों के साथ जम्मू कश्मीर पर लागू होगा। दूसरा संकल्प यह कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन करना है। 5 अगस्त 2019 को इन दोनों सांविधिक संकल्पों को भारतीय संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया, जिसके बाद राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को संसद में राज्यसभा में प्रस्तुत करने के लिए भेजा, जिसे राज्यसभा द्वारा 5 अगस्त 2019 को ही पारित कर दिया। इस विधेयक को 6 अगस्त 2019 को लोकसभा में भी पारित किया और 9 अगस्त 2019 को यह विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद अधिनियम बन गया। तो याद रखिए, जब तक लोकसभा और राज्यसभा में पास होता है विधेयक कहलाता है, जैसे ही राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलती है अधिनियम कहलाने लगता है। 31 अक्टूबर 2019 को यह अधिनियम अंतिम रूप से लागू हो गया है। स्थिति से भारत में 28 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश रह गए हैं।
इस अधिनियम के अनुसार जम्मू कश्मीर राज्य के अब दो हिस्से कर दिए गए हैं। दोनों हिस्सों को दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। पहला केंद्र शासित प्रदेश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 339 ए के अनुसार जम्मू कश्मीर और दूसरा अनुच्छेद 339 के अनुसार लद्दाख। ठीक है, याद रखिए 339 ए के अनुसार जम्मू कश्मीर और 239 ए के जम्मू कश्मीर और अनुच्छेद 239 के तहत लद्दाख बनाएगा। लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी, याद रखना। यहाँ एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा उप राज्यपाल, जो है शासन संभालेगा। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 से लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर राधा कृष्ण माथुर हैं, याद रखना है। पहले पूछा जा सकता है कि लद्दाख के पहले, कभी भी पूछा जा सकता है, ये तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बन जाता है कि पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, राधा कृष्ण माथुर। जबकि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। जम्मू कश्मीर को विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। यहाँ से राज्यसभा की 4 सीटें निर्धारित की गई, जो जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य होने के समय भी थी। जम्मू कश्मीर के लिए लोकसभा की 5 सीटें निर्धारित की गई, लद्दाख के लिए लोकसभा की 1 सीट निर्धारित की गई है। जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, पहले 6 वर्ष का होता था। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की विधानसभा की कुल संख्या 107 है, जिन्हें परिसीमन के बाद बढ़ाकर 114 किए जाने का प्रावधान किया गया है, जिसमें से 24 सीटें पाक अधिकृत कश्मीर के लिए रिक्त रखी जाएंगी। बाकी 2 सीटों वहां के राज्यपाल द्वारा नामित की जाने सकने वाली हैं। इसमें राज्यपाल महिलाओं को नामित करता है। इसके अलावा इस पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों को आरक्षण के प्रावधान का लाभ दिए जाने की व्यवस्था की गई है। इसके पहले यहाँ अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी। केंद्र सरकार ने इन दो नए केंद्रशासित प्रदेशों के मध्य तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य की संपत्तियों एवं ऋणों के वितरण के मामले के अवलोकन हेतु पूर्व रक्षा सचिव संजय मित्रा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग सरोगेसी विनियमन विधेयक 2019। भारत में व्यवसायिक सरोगेसी को वर्ष 2002 में विधेयक मान्यता दी गई। हालांकि वर्ष 2015 में एक सरकारी अधिसूचना के द्वारा भारत में विदेशी दंपतियों हेतु सरोगेसी को प्रतिबंधित कर दिया गया था। भारत के विधि आयोग ने अपनी 228वीं रिपोर्ट में व्यवसायिक सरोगेसी पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी। 5 अगस्त 2019 को लोकसभा द्वारा सरोगेसी विधेयक 2019 पारित कर दिया गया है। इस विधेयक में शामिल विभिन्न प्रावधानों को निम्न बिंदुओं के अंतर्गत समाहित किया है। विधेयक सरोगेसी को एक ऐसी प्रथा के रूप में परिभाषित करता है जहां एक महिला किसी इच्छुक दंपत्ति के बच्चे को जन्म के पश्चात उसे उन्हें सौंपने के इरादे से गर्भधारण करती है। विधेयक वाणिज्यिक सरोगेसी को प्रतिबंधित करता है, लेकिन परोपकारी सरोगेसी की अनुमति देता है। ठीक है, सरोगेसी की अनुमति उन स्थिति में दी जाएगी इच्छुक दंपत्ति सिद्ध वांछन से पीड़ित हों या वह परोपकारी हों, वह वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए नहीं हों, बिक्री विषयावती या शोषण के किसी अन्य रूप के लिए बच्चा पैदा करने के लिए नहीं होगा। केंद्र एवं राज्य सरकार के अनुसार राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड और राज्य सरोगेसी बोर्ड का गठन करेंगी। सरोगेसी प्रक्रिया से पैदा हुआ बच्चा इच्छुक दंपत्ति का जैविक बच्चा माना जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं जलियावाला बाग राष्ट्रीय स्मारक संशोधन विधेयक 2019। जलियावाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम 1951 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियावाला बाग में मारे गए या घायल हुए लोगों की स्मृति में एक राष्ट्रीय स्मारक के निर्माण का प्रावधान करता है। इसके अलावा यह राष्ट्रीय स्मारक के प्रबंधन के लिए एक ट्रस्ट के सृजन का प्रस्ताव करता है। 19 नवंबर 2019 को राज्यसभा द्वारा जलियावाला बाग राष्ट्रीय स्मारक संशोधन विधेयक 2019 पारित कर दिया गया। गौरतलब है कि 2 अगस्त 2019 को यह विधेयक लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया था। इस अधिनियम संशोधन विधेयक का उद्देश्य जलियावाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम 1951 में संशोधन करना है। यह विधेयक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष को ट्रस्टी से हटाने के लिए प्रावधान करती है। इसके अतिरिक्त यह स्पष्ट करता है कि जब लोकसभा में विपक्ष का कोई नेता नहीं होता है, उस स्थिति में लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का नेता ट्रस्टी का होगा।
यह तब है कि अधिनियम 1951 के अंतर्गत ट्रस्टी के रूप में एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधित्व का प्रावधान है। संशोधन द्वारा ट्रस्ट से दल विशेष में सदस्य को हटाया जाना गैर राजनीतिक बनाता है। संशोधन द्वारा ट्रस्ट में विपक्षी पार्टियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। आगे बात करते हैं हम लोग मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 19 सितंबर 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तत्काल तीन तलाक को दंडनीय अपराध घोषित करने वाले एक अध्यादेश को स्वीकृति प्रदान की थी। अध्यादेश के तहत तीन तलाक का अपराध केवल तभी संज्ञान में लिया जाएगा जब महिला स्वयं या उसके संबंधी शिकायत दर्ज कराता है। ठीक है, 31 जुलाई 2019 को मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो गई। विधेयक ने फरवरी 2019 में प्रख्यातित अध्यादेश को प्रतिस्थापित कर दिया है। फरवरी 2019 में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण द्वितीय अध्यादेश 2019 प्रख्यातित किया गया था। यह अध्यादेश पहली बार हुए अध्यादेश 19 सितंबर 2018 की तिथि से प्रभावी है। विधेयक के अनुसार तलाक का अभिप्राय तलाक ए बिद्दत या तलाक के किसी अन्य समान रूप से है जिसके परिणाम स्वरूप मुस्लिम पुरुष तत् अपनी पत्नी को तलाक जिसे पलटा ना जा सके देता है। विधेयक के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा अपनी उसकी पत्नी के लिए शब्दों द्वारा चाहे वे बोले गए हों या लिखित हों या इलेक्ट्रॉनिक रूप में हों या किसी अन्य रीति में हों तलाक की उद्घोषणा शून्य और अवैध होगी। यह अधिनियम तत्काल तलाक कहने को संज्ञेय और गैर जमानतीय अपराध घोषित करता है। पत्नी को तलाक कहने वाले पुरुष को कारावास की सजा दी जाएगी जिसे 3 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। उसे जुर्माना भी भरना पड़ेगा। बात करते हैं मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 में। तो 27 जुलाई 2019 को मानव अधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक 2019 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होगी। उल्लेखनीय है कि यह विधेयक मानव संरक्षण अधिनियम 1993 में संशोधन प्रस्तावित करता है। यह विधेयक निम्नलिखित प्रमुख उपबंद प्रावधानित करता है। यह विधेयक भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा किसी ऐसे व्यक्ति जो उच्च न्यायालय या न्यायालय का न्यायाधीश रहा है को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने का किए जा सकने का हेतु पात्र बनता है। याद रखिए पहले केवल मुख्य न्यायाधीश रहा हो उसे ही बनाया जाता था इसका अध्यक्ष, लेकिन अब मुख्य न्यायाधीश के अलावा भी किसी ऐसे व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो उसे भी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। आयोग के सदस्य सिविल सोसाइटी की संख्या को 2 से बढ़ाकर 3 किया जा सकेगा जिसमें 1 महिला होगी। विधेयक के तहत राष्ट्रपति पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष, दिव्यांग जनों संबंधी मुख्य आयुक्त को आयोग के सदस्यों के रूप में सम्मिलित किया जा सकेगा। किसी राज्य के मुख्य न्यायाधीश अथवा किसी ऐसे व्यक्ति को जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा है को राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सके हेतु प्राप्त होगा। विधेयक द्वारा आयोग और राज्य आयोग के अध्यक्षों के सदस्य और सदस्यों की पदावधि 5 वर्ष से कम करके 3 वर्ष कर दी गई है। याद रखिए अब 3 वर्ष संबंधी प्रावधान। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम लोग नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र अधिनियम 2019। 26 जुलाई 2019 को राष्ट्रपति ने नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक 2019 को स्वीकृति दी है। यह अधिनियम 2 मार्च 2019 को जारी दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र अध्यादेश को प्रतिस्थापित करेगा। यह अधिनियम संस्थागत मध्यस्थता के लिए एक स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय की स्थापना का प्रावधान करता है। इस अधिनियम के द्वारा NDIAC न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करता है। अधिनियम के अनुसार नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र में कुल 7 सदस्य शामिल होंगे। इसमें 1 अध्यक्ष जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या मध्यस्थता के प्रशासन या व्यवहार में विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाला एक प्रसिद्ध व्यक्ति, 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति,
जिनके पास संस्थागत मध्यस्थता में पर्याप्त ज्ञान और अनुभव हो, तीन पदेन सदस्य जिनमें वित्त मंत्रालय से एक नामित और एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा, एक अंशकालीन सदस्य के रूप में वाणिज्य और उद्योग के एक मान्यता प्राप्त निकाय का प्रतिनिधित्व शामिल होगा। NDIAC के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होगा, जबकि पुनर्नियुक्त के पात्र होंगे सब। ठीक है, आगे बात करते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2019। 23 जुलाई 2019 को राष्ट्रपति ने केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2019 को स्वीकृति प्रदान की है। इस विधेयक को 8 जुलाई 2019 को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने लोकसभा में पेश किया था। 12 जुलाई 2019 को लोकसभा और 16 जुलाई 2019 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। अधिनियम 2019 केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 में दो नई धाराएं 3C और 3D अंतर स्थापित करता है। इसमें प्रावधान है कि आंध्र प्रदेश राज्य में दो केंद्रीय विश्वविद्यालयों का गठन किया जाएगा, जिनमें एक आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय तथा दूसरा आंध्र प्रदेश केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय होगा। केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय विशेष रूप से देश के जनजातीय लोगों के लिए कला, संस्कृति और परंपराओं से संबंधित उच्च शिक्षा और अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करने हेतु अतिरिक्त उपाय करेगा। उल्लेखनीय है कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अंतर्गत राज्य में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय और एक केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना को बाध्यकारी है। अब बात करते हैं आधार और अन्य कानून संशोधन अधिनियम 2019। 23 जुलाई 2019 को राष्ट्रपति द्वारा आधार और अन्य कानून विधेयक 2019 को स्वीकृति प्रदान की गई। अधिनियम यह प्रावधान करता है कि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से प्रमाणीकरण या ऑफलाइन सत्यापन द्वारा अपनी पहचान स्थापित करने के लिए अपने आधार नंबर का उपयोग कर सकता है। अधिनियम के अनुसार किसी भी सेवा के लिए आधार के माध्यम से किसी व्यक्ति की पहचान का प्रमाणीकरण केवल संसद के कानून द्वारा अनिवार्य किया जा सकता है। यह उपयोगकर्ता को बैंक खाता खोलने, मोबाइल फोन कनेक्शन के लिए पहचान के प्रमाण पत्र के रूप में आधार स्वैच्छिक उपयोग की अनुमति देता है। यह अधिनियम टेलीग्राफ अधिनियम 1885 और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में संशोधन प्रस्तावित करता है। अधिनियम के अनुसार किसी भी व्यक्ति को आधार नंबर नहीं होने के कारण किसी भी सेवा से वंचित नहीं किया जाएगा। विधेयक द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण कोष की स्थापना का प्रावधान किया गया है, याद रखिए। फिलहाल व्यक्तिक विधियां संशोधन अधिनियम 2019। तलाक और अलगाव के संबंध में व्यक्तिक विधियों में किए गए प्रावधान में संशोधन के लिए 10 अगस्त 2018 को लोकसभा में व्यक्तिक विधियां संशोधन विधेयक 2018 पेश किया गया था, जिसे 7 जनवरी 2019 को लोकसभा तथा 13 फरवरी 2019 को राज्यसभा में पारित किया गया। व्यक्तिक विधियां संशोधन विधेयक पर 2018 पर 21 फरवरी को राष्ट्रपति ने अपनी सहमति दे दी है। इस व्यक्तिक विधियां संशोधन अधिनियम 2019 के नाम से जाना जाएगा। यह अधिनियम निम्नलिखित पांच अधिनियम में संशोधन प्रस्तावित करता है। तलाक अधिनियम 1869 की धारा 10(1)(4) में, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 की धारा 2 का आधार 6 में, स्पेशल विवाह अधिनियम 1954 की धारा 27(1)(g) में, हिंदू विवाह 1955 की धारा 13(1)(4) में, हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 18(2)(c) में। अधिनियम 2019 के उपयुक्त प्रावधानों को समाप्त करता है, जिसे में कुष्ठ रोग के आधार पर तलाक या अलगाव का प्रावधान था, अर्थात अब कुष्ठ रोग के आधार पर अलगाव या तलाक नहीं होगा, याद रखिए। अब इसी से संबंधित कुछ सूक्ष्म दृष्टि देख लेते हैं जो क्वेश्चन बनते हैं। 14 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के आदेश प्रवेश को लेकर दाखिल पुनर्विचार याचिका को सौंप दिया है 7 सदस्यीय संविधान पीठ को, याद रखना। पहले 5 के पास था, अब 7 को सौंप दिया। 13 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालय द्वारा किसी फैसले के अनुसार ITI के दायरे में आ गया है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय। उच्चतम न्यायालय संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी? 34, एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश। 2 अक्टूबर 2019 को लंदन के रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है हैदराबाद के निजाम के पक्ष में। द रेपिलिंग एंड एमेंडिंग एक्ट 2019 के तहत 2 अधिनियम में संशोधन किया गया, जबकि ऐसे अधिनियम जिन्हें पूरी तरह से समाप्त किया गया उनकी संख्या कितनी है? 68। द रेपिलिंग एंड
अमेंडिंग एक्ट 2019 के अनुसार वे अधिनियम जिनमें कुछ संशोधन करके किया गया है, अनुच्छेद आयकर अधिनियम 1961, भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम 2017, कंपनी अधिनियम 2019 के द्वारा संशोधन किया गया है, कंपनी अधिनियम 2013 में, भारतीय विमानपतन आर्थिक नियामक प्राधिकरण संशोधन अधिनियम 2019 के तहत प्रमुख विमानपतनों को निर्दिष्ट करने के लिए वार्षिक यात्री यातायात की सीमा निर्धारित की गई है 35 लाख से अधिक। डीएनए प्रौद्योगिकी उपयोग एवं अनुपयोग विधेयक विनियमन विधेयक 2019 द्वारा राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर इनकी स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है। डीएनए डेटा बैंक की आधार और अन्य कानून संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा कोष की स्थापना की जाएगी, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण कोष। एचआईवी एड्स अधिनियम 2017 के तहत संरक्षित व्यक्ति के प्रति घृणा फैलाने वाले के लिए न्यूनतम सजा के दिन न्यूनतम 3 महीने से अधिकतम 2 वर्ष तक का और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2018 के तहत 12 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के साथ बलात्श्रम के लिए सजा का प्रावधान है, मृत्युदंड। इस अधिनियम का उद्देश्य राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संविधानिक दर्जा प्रदान करता है, संविधान 102वां संशोधन अधिनियम 2018 का। बात करते हैं आगे आर्थिक भगोड़ा अपराधी अधिनियम 2018 की परिभाषा में ऐसे अपराध या अपराधों को शामिल किया गया है जिसमें राशि संबद्ध हो 100 करोड़ रुपए या अधिक। भ्रष्टाचार निरोधक संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा संशोधन किया गया, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में। भ्रष्टाचार निरोधक संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को रिश्वत देने दिए जाने के अपराध हेतु सजा का प्रावधान किया गया, न्यूनतम 3 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना। 103वां संशोधन संविधान संशोधन अधिनियम के तहत गरीब सवर्णों को नौकरियों व शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान 10% किया गया है। 31 जुलाई 2019 को लोकसभा द्वारा पारित अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद संशोधन विधेयक 2019 संशोधन प्रस्तावित करता है, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 में। 18 जुलाई 2019 को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने के उपायों के परीक्षण के लिए एक पैनल का गठन किया गया, इस पैनल की अध्यक्षता कौन करेगा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी। संयुक्त राष्ट्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत एक राज्य नहीं तथा संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी नहीं यह निर्णय दिया है दिल्ली उच्च न्यायालय ने। 16 मार्च 2019 को जारी सूचना के तहत भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत आता है चुनाव घोषणा पत्र। मार्च 2019 में केंद्र सरकार द्वारा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की 2 नई खंडपीठों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई, अमरावती आंध्र प्रदेश के लिए, इंदौर मध्य प्रदेश में। 11 फरवरी 2019 को एक विधेयक द्वारा इस राज्य में नगरपालिका और पंचायती चुनाव में उम्मीदवारों हेतु शैक्षणिक योग्यता की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है राजस्थान में। 11 फरवरी 2019 को केंद्रीय सूचना आयोग ने सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत एक सूचना माना है EBM अर्थात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को। 6 सितंबर 2018 को सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय संविधानिक पीठ ने नवतेज सिंह जौहर एवं अन्य बनाम भारत संघवाद के विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए IPC की इस धारा को आंशिक रूप से संविधानिक घोषित किया है, धारा 377। IPC की धारा 377 संबंधित है अपराधिक यौन अपराध से। ठीक है, तो चलिए ये था हमारा विधिक परिदृश्य। ठीक है, याद रखिए, तो हम लोग देख चुके हैं विधिक परिदृश्य पूरा खत्म कर चुके हैं। विधिक परिदृश्य देख चुके हैं हम लोग और राष्ट्रीय परिदृश्य देख चुके हैं, 2 टॉपिक खत्म कर चुके हैं पूरी तरह से। ठीक है, इसे भी हम उसी में समसामयिक घटना चक्र 2019 वाली सूची में डाल देंगे। ठीक है, अब आगे बात करेंगे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में। ठीक है,